जल भराव व पानी की किल्लत को लेकर भूख हड़ताल व धरना प्रदर्शन। कानपुर के गांधी ग्राम में जल निगम द्वारा निरंतर लापरवाही हो रही है, जिसमें जनता अत्यधिक परेशान है। एक माह हो चुके हैं पानी पटेल नगर, सैनिक नगर, अहिरवा गांव में नहीं आ रहा। जल निगम कानपुर को निरंतर बताया जा रहा है, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से जल संस्थान के द्वारा पूरे क्षेत्र में सीवर लाइन चौक है, जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, जिसको लेकर क्षेत्रीय पार्षद ने धरना व भूख हड़ताल की। नव भारत समाचार कानपुर उत्तर प्रदेश से दीपक दीक्षित। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज यादव जी, क्या समस्या है आपकी? हमारे वार्ड 26 के अंतर्गत पटेल नगर में जाकर जो है, पटेल नगर है, शहरी नगर है, शरा नगर है, आयरवा गांव है, इस पानी की समस्या से दो वार्ड त्रस्त है। एक मेरा वार्ड और एक मेरा बगल का जो वार्ड है, पानी नहीं आ रहा है, एक महीना हो गया है, जिससे लगातार अधिकारियों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। जल संस्थान के अधिकारियों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि जल निगम जाने, जल निगम की टंकी है। जब जल निगम से बात करता हूँ तो वह जल संस्थान की जिम्मेदारी बनती, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती। ये दोनों आपस में लड़ा रहे हैं मुझको, और कोई भी अपना अपना पल्ला झड़ जा रहा है। इस वजह से हमारी जनता को पानी नहीं मिल पा रहा, जिन कारणवश मैं और मेरी धर्मपत्नी, हमारे कानपुर वरिष्ठ नागरिक संस्था के पदाधिकारी और रामा देवी युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष और क्षेत्र के संभ्रांत लोग यहाँ पर आज बैठे हुए दर्शन करने पसंद। अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी यहाँ के महाप्रबंधक जी आए थे हमारे पास, और शासकीय अभियंता जौहरी जी आए थे, सब ने दर्शन जाकर ये कहा कि दर्शन जाकर जो इसका हम समाधान करेंगे, परंतु मैंने कहा कि जब तक मुझे लिखित पत्र नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठ करके जाऊँगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो अपनी जनता के लिए हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल में अधिकारी नहीं मानेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे। हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे अगर जनता को।